कोई भी सॉल्युबल सॉल्यूशन है, जब आपको उसमें से सॉल्ट अलग करना होगा तो यू विल गो फॉर क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन अगर उसी में से लिक्विड को अलग करना होगा तो यू विल गो फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। इज दैट क्लियर? तो सॉलिड और लिक्विड के सॉल्यूशन में से अगर लिक्विड को निकालना है, यानी लिक्विड एक है सॉलिड एक है, तो अब इसका सेटअप देखो कैसा लगता है। यहां पर बहुत प्यारी डायग्राम का रेफरेंस लिया हुआ है हमने। यहां पर आपको नजर आ रहा है सॉल्टी वाटर है, ठीक है, इसमें सॉल्ट भी है वाटर भी है। आपने क्या डाला इसमें, देखो अगेन एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए तुम्हें पता होना चाहिए, डायग्राम तुम्हारे पास होनी चाहिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट्स है तो नोट्स में ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आपके पास ये जो चीज है इसको कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या कहते हैं इसको? राउंड बॉटम फ्लास्क, क्योंकि पेपर एटीपी वाले जो देने जा रहे हैं उसमें लेबल करने के लिए भी आता है बेटा, लेबल करने के लिए भी आ जाता है, दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क। अब आपने क्या किया, आप जानते हो सॉल्ट है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जाहिर जब आप हीट करोगे तो पहले कौन बॉइल होगा? वाटर। तो आपने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया और यहां पर कॉर्क लगा के थर्मोमीटर लगा देंगे। थर्मोमीटर क्यों लगाया है? क्योंकि आपको मेक श्योर करना है कि वाटर ही निकल रहा हो, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए क्या होगा, होगा ये कि सबसे पहले आप इसको हीट करना शुरू कर देंगे राउंड। अच्छा, सेटअप कैसे लगाया, राउंड बॉटम फ्लास्क ले ली, उसके अंदर आपने सोल्यूशन डाल दिया, उसको सील किया। सील किस तरह किया कि उसके ऊपर थर्मोमीटर लगा लिया। याद रखना थर्मोमीटर हवा में सस्पेंड होना चाहिए ताकि वो वेपर्स का टेम्परेचर ले। यहां पर डायग्राम में मिस्टेक आ जाती है और उसमें फिर वो थर्मोमीटर यहां तक आ रहा होता है। डिस्टिलेशन के अंदर, डिस्टिलेशन के अंदर कहीं और नहीं, डिस्टिलेशन के अंदर जब प्रोसेस हो रहा होगा तो थर्मोमीटर शुड बी इन दी एयर। थर्मोमीटर लिक्विड में नहीं होना चाहिए क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर नहीं लेना, जो वेपर्स आ रहे हैं उनका टेम्परेचर लेना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि राउंड बॉटम फ्लास्क में साइड में जो है ना एक पूरा सेटअप कनेक्ट हुआ हुआ है, जिसको हम कंडेंसर सेटअप कहते हैं, जैसे फ्रिज में होता है कंडेंसर का सेटअप। और क्या हो रहा है, जो वेपर्स आएंगे नीचे से, यहां से जो वेपर्स आ रहे हैं, ऊपर बंद है रास्ता, तो यहां से ये वेपर जो है वो कंडेंसर जैकेट से गुजरेंगे। अब कंडेंसर जैकेट में क्या होता है, अभी ये वेपर्स गरम गरम है, अब कंडेंसर जैकेट में चल रहा होता है ठंडा पानी। और ये डायग्राम बहुत बार आई है कि नीचे से पानी यहां से ठंडा डाला जाता है और वो बार बार फ्लो करता है, जो वेपर्स अंदर से जा रहे हैं उनकी हीट को एब्जॉर्ब करता है और यहां से वो वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली कंडेंसर जैकेट के अंदर वाटर इन और वाटर आउट चल रहा होता है, वाटर नीचे से ठंडा ठंडा पानी जो है वो दाखिल किया जाता है, जिसका काम क्या होता है कि कंडेंसर जैकेट में जो गैस जा रही है, गर्म वाटर वेपर जा रहे हैं, उनकी हीट को वो एब्जॉर्ब कर ले और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसे इस एंड से बाहर निकाल दिया जाता है। बात समझ में आ गई? और फिर आप अच्छे से जानते हैं प्रिंसिपल क्या है कि जब आप लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है, और गैस को ठंडा करते हैं तो क्या बनता है बेटा, गैस को ठंडा करते हो तो क्या बनता है भाई, जब गैस को ठंडा करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। तो बेसिकली जब आप यहां पर गैसियस वेपर को कूल डाउन करते हो तो कूल डाउन करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्योर ड्रॉप्स ऑफ वाटर की फॉर्म में कंटेनर में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, कलेक्टिंग बीकर में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो डायग्राम के क्या क्या सेटअप है, मेरे ख्याल डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है, इसमें जो टेक्निकल बातें वो समझ लो। एक तो इसमें नॉर्मल फनल नहीं होती, नॉर्मल फ्लास्क नहीं होता, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है ताकि हीट यूनिफॉर्मली जाए हर तरफ से गोलाई की वजह से। दूसरा, इसमें साइड में कंडेंसर जैकेट लगी होती है। तीसरा, थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर इसमें लिक्विड में नहीं आना चाहिए, बल्कि थर्मोमीटर मस्ट बी सस्पेंडेड इन अ वे कि वो टेम्परेचर ऑफ दी वेपर मेजर करे, ठीक है। और वाटर नीचे से इनलेट से दाखिल किया जाता है, ऊपर से निकाला जाता है गर्म पानी, ऊपर वाला जो पानी है वो गर्म हो रहा होता है, वेपर्स को लिक्विफाई करने के लिए आप उसे कूल डाउन कर रहे हैं, और जब वो कूल डाउन होते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्रेजुअली वो लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ऑब्टेन किया जाता है। एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नो सर। जी सहर खालिक, बात समझ में आई है कुछ थोड़ी थोड़ी या नहीं? जी सर आ गई। अब सब सारा वाटर इस तरह से इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या रह जाएगा, सॉलिड रह जाएगा, और सारा का सारा लिक्विड जो है वो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि दूसरे कलेक्टिंग बीकर में आ जाएगा। अब इसमें एक और एक दो बातें और भी जानना जरूरी है, एक दो बातें इसमें और भी जानना जरूरी है, वो ये कि मेरे बच्चे इसमें एक तो थर्मोमीटर वाली प्रिकॉशन बता दी कि थर्मोमीटर शुड नॉट बी इन दी लिक्विड। दूसरा, इसमें याद रखिएगा एक और प्रिकॉशन ली जाती है कि जो शुरू के कुछ ड्रॉप्स बनते हैं, शुरू के कुछ ड्रॉप्स जो बनते हैं उन ड्रॉप्स को जाया कर दिया जाता है।
शुरू के जो कुछ ड्रॉप्स बनते हैं उनको जाया कर दिया जाता है, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स एटीपी में ये डायग्राम आई है, मल्टीपल टाइम्स एटीपी में ये डायग्राम आई है, और मुझे याद है इथीन गैस को लिक्विफाई करने के ऊपर आया है, मैं खाले इथीन गैस को लिक्विफाई करना था इसके जरिए। तो आप जानते हैं कोई भी गैस जब इस कंडेंसर सेटअप से गुजरेगी तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। तो उसमें सवाल पूछा था शुरू के जो ड्रॉप्स है उनको जाया क्यों किया जाता है। जी एनीबडी वुड लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट। कुछ शुरू के जो ड्रॉप्स होते हैं जब वो कलेक्ट हो रहे होते हैं उनको जाया कर देते हैं और उसके बाद वाले ड्रॉप्स को फिर कलेक्ट करते हैं, तो जाया क्यों किया जाता है ये सवाल। जी सर उनमें सॉल्ट की एसेंस आगे सर पहले टेंपरेचर 100 तक पहुंचे नहीं। जी एनीबॉडी एल्स? आई थिंक सॉरी क्लास कब एंड होगी? ये किसने पूछा भाई? बेटा ये अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फिर क्रोमेटोग्राफी है, फिर क्लास एंड है, ठीक है? जी भाई कमेंट मांग रहा हूं आप लोगों से। जी ये प्रोसेस तो सबको मैं उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, प्रोसेस सबको क्लियर आ गया सर। वाटर इन वाला नहीं आया समझ? वाटर इन वाला, वाटर इन वाटर कूलिंग वाटर इन, हां ये वाला। मेरे बच्चे देखो ना, गैस के वेपर्स को ठंडा करोगे तो लिक्विड बनेगा ना, ठंडा करने का मतलब है उनकी हीट। आप जैसे जब कभी ऐसा हो कि आपकी जो जो है वो जब कोल्ड ड्रिंक आप गर्म लेकर आ जाते हो तो आप क्या करते हो, उसमें ठंडा आइस क्यूब डालते हो या उसे ठंडे यख पानी में अगर डाल दें, जैसे वो आइस क्यूब में आइस बॉक्स में डाल के ठंडा करते हैं तो ठंडा हो जाते हैं ना। इसी तरह से यही काम हो रहा है कि जो गैस के वेपर्स अंदर से गुजर रहे हैं कंडेंसर से, उस कंडेंसर की जैकेट है ये बाहर है, इसमें पानी ठंडा पानी रन कर रहा होता है, जिसका काम क्या होता है कि जो अंदर से वेपर्स जा रहे हैं उसकी हीट को ये अब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। सही सर, एंड में जो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें जब सॉल्ट बचेगा वो तो उसके क्रिस्टल्स होंगे ना? जी जी बिल्कुल ऐसी है। तो सर क्रिस्टलाइजेशन का ये भी तरीका तो हो सकता है कि सॉल्ट के क्रिस्टल बन जाएंगे? आप देखें ना कि वो बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात की कि ये भी तो क्रिस्टलाइजेशन का तरीका हो गया, लेकिन अल्लाह के बंदे इसको तो क्रिस्टलाइजेशन का जो सीधा सीधा मेथड है वो तो बहुत ही आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड कि वो पूरा कंडेंसर जैकेट लगाए उसमें इतना सारा ठंडा पानी रन करें, तो ये तो फजूल हुआ ना, ये तो एक्स्ट्रा वर्किंग हुई आपकी। तो जब आपको लिक्विड अलग चाहिए होगा तब आप ये वर्किंग करेंगे, वरना ये वाली क्रिस्टलाइजेशन करने की क्या जरूरत है भाई? क्रिस्टलाइजेशन तो इटसेल्फ बड़ा सिंपल मेथड था, तो आप वो करते। ये तो ऐसी है कि आपके सामने एक इजी रास्ता था, आपने बोला नहीं मैं ये रास्ता नहीं लूंगा, मैं घूम के ही जाऊंगा, कच्चे रास्ते से जाऊंगा, बावला हूं मैं। तो अगर आपको लिक्विड हासिल करना है ओनली देन यू गो फॉर दिस ऑप्शन, वरना क्रिस्टलाइजेशन के लिए कौन है भाई जो ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेगा भाई? क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? अब सवाल मेरा वही अटका हुआ है भाई, सवाल मेरा यह है कि शुरू के कुछ ड्रॉप्स को जाया किया जाता है, सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्यों? किसका जवाब आ रहा है, आयशा का या फिजा का? दोनों की आवाज एक जैसी है बिल्कुल। आयशा, आयशा फिजा तुम्हारे मुंह में क्या, तुमने आज क्या स्वीट पोटेटो भर लिया क्या गले तक, कुछ आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी? और बासिम तुम सोते रहते हो यार क्लास में जब तक तुमको बोलो नहीं, और मन्ना तुम भी बिल्कुल आजकल ना बिल्कुल ढीली ढीली चल रही हो भाई, कुछ थोड़ा पार्टिसिपेट करो क्लास के अंदर, इतना पढ़ाकर एक सवाल मैंने पूछा उसमें तुम लोगों का कोई जवाब नहीं आ रहा। जी वो भाई जिनके नाम लिए वो तो रिस्पॉन्ड कर दो। सर बताया तो इम्प्योरिटीज होती हैं। इम्प्योरिटीज होती हैं, अच्छा। और मजीद जानना चाह रहा हूँ, मजीद जानना चाह रहा हूँ। जी जब बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ जाएगा ना, फिर बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क एग्जैक्ट 100 डिग्री नहीं रहेगा फिर? बॉइलिंग तो यहाँ पर हो रही है ना यार, बॉइलिंग तो यहाँ हो रही है, मैं कह रहा हूँ यहाँ वाले ड्रॉप्स को जाया कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हो? सर कुछ सॉल्युबल हो? नहीं। जी मनहा, बासिम एंड फिजा, आपके जवाब का भी इंतजार है मुझे। मनहा आप बोल रही है लेकिन आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। सर अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। सर इम्प्योरिटी होंगी जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट? अरे कौन सी इम्प्योरिटी, यही तो पूछ रहा हूँ। इम्प्योरिटी होगी मेल? सर पता नहीं कौन सी इम्प्योरिटी, थोड़ी लो बॉइलिंग इम्प्योरिटीज होंगी, यही तो एक मिनरल्स वगैरह। ये अबे मिनरल का सर मैं क्या बात कर रहा हूं भाई, यही तो करवाना चाह रहा हूं। इंप्योरिटी होगी, इंप्योरिटी तो ये तो बड़ा जनरलाइज और पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है, लेकिन सवाल तो यही है कि कौन सी इंप्योरिटी होगी। जाहिर है लो बॉइलिंग। हां लो बॉइलिंग इंप्योरिटीज, लो बॉइलिंग इंप्योरिटीज मसलन सर दूसरी कोई गैसेस वगैरह होंगी? हां गैसेस वगैरह होंगी दूसरी,
कौन सी गैसेस, कौन सी गैस हो सकती है, कोई नाम तो दे दो कुछ। कार्बन डाइऑक्साइड, तुम लोग बड़े चलाक हो, हर बंदा बड़ा जनरलाइज आंसर दे रहा है ताकि सेफ रहे वो। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो मेरे भाई, ऐसा इसलिए किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब है कि इम्प्योरिटीज को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। और बासिम का तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। बासिम कहाँ सो रहे हो यार तुम? और फिजा के लिए सब बच्चे सूरह फातिहा पढ़कर इनको इसाले सवाब कर दें, क्योंकि अभी अभी इनका इंतकाल हो चुका है। रमजान के बाबरकत महीने और आखिरी अशरे में अल्लाह ताला ने इनको अपने पास बुला लिया है कि बहुत नेक बच्चे। सारे इसाले सवाब करें। कल जो है ना इनके यहाँ बीफ बिरयानी की दावत है रात में, वो है सिलसिला। भाई कुछ बोलो तो सही, पंखा चलो यार, बोली कुछ नहीं रही, वाकई मर गई लग रहा है मुझे लड़की। अच्छा भाई बिल्कुल ऐसा ही है कि इम्प्यूरिटीज को अवॉइड करने के लिए हम फ्यू ड्रॉप जाया करते हैं। वो इम्प्यूरिटीज होती कौन सी हैं ये समझना है बेटा। वो इम्प्यूरिटीज दो तरह की होती हैं, टू अवॉइड इम्प्यूरिटीज। कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज? एक लफ्ज किसी एक ने बोला था और दूसरा मैं बता देता हूँ। टू अवॉइड इम्प्यूरिटीज हम फ्यू ड्रॉप जाया करते हैं। सबसे कॉमन जो इम्प्यूरिटी होती है वो होती है डस्ट पार्टिकल्स की, कि जब आपका इनिशियली लिक्विड कलेक्ट होना शुरू होता है, ट्यूब पहली दफा इस्तेमाल हो रही है, तो क्वाइट पॉसिबल कि अंदर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हो। और वो डस्ट पार्टिकल्स यानी वॉश होता है ना, वॉश करते हैं आप, तो फॉर वॉशिंग आप शुरू में कुछ लिक्विड जाया होने देते हैं ताकि वो जो डस्ट वस्ट था वो उसके साथ ही निकल जाए, क्लीन हो जाए। ठीक है। और दूसरा एक लफ्ज किसी ने बोला था, लो बॉइलिंग इंप्योरिटीज का मतलब क्या है? इस केस में तो नहीं, इसमें तो पानी और नमक ही सीधा सीधा है, लेकिन मान लो कि हमारे पास एथेनॉल होता, और तो एथेनॉल के अंदर क्या होता है अगर, यानी वाटर नहीं होता यहाँ पर वाटर की जगह एथेनॉल होता, तो एथेनॉल, ये मेरी स्क्रीन पे किसको लिखने का कीड़ा काट रहा है भाई, एथेनॉल होता तो एथेनॉल के बारे में ऑर्गेनिक इन्फॉर्मेशन से हमें पता है कि एथेनॉल प्योर फॉर्म में नहीं होता, बल्कि उसमें सम डिग्री ऑफ मेथेनॉल भी मौजूद होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल से थोड़ा सा कम होता है, तो पहले वो इवेपोरेट होता है। और अगर आप इथेनॉल हासिल करना चाह रहे होते हैं तो आप तो शुरू के ड्रॉप्स जाया कर देते हैं ताकि मेथेनॉल के जो लिक्विड बना है वो जाया हो, वो जो है वो अलग हो जाए और फिर आप इथेनॉल हासिल करें। तो बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स वाली जो बात है, टू अवॉइड इंप्योरिटीज ऑफ डस्ट, ठीक है, या टू मेक श्योर के जो कंडेंसर ट्यूब है वो पूरी क्लीन हो जाए और डस्ट की उसमें इंप्योरिटी ना हो, और कोई लो बॉइलिंग इंप्योरिटी भी ना हो। एक और सवाल आता है इसमें, और वो हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर ही कलेक्ट हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि एथेनॉल ही कलेक्ट हो रहा है? तो बेटा इसका ताल्लुक है इस बॉइलिंग पॉइंट से। देखो थर्मामीटर हमने अंडे देने के लिए लगाया यहां पर, अब हमें पता है कि एथेनॉल का लेट्स से कि बॉइलिंग पॉइंट है आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, मेरे ख्याल 78 डिग्री शायद होता है आई गेस, या पता नहीं 48 होता है, जो भी है। तो अगर थर्मामीटर पे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रुका हुआ है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब है जो लिक्विड इस वक्त कलेक्ट हो रहा है वो वाटर है। तो हाउ एन ऑब्जर्वर और हाउ जो लैब में परफॉर्मर है वो किस तरह से मेक श्योर करेगा कि वाटर ही कलेक्ट हो रहा है या वो ही लिक्विड कलेक्ट हो रहा है जो वो चाहता है? तो वो बॉइलिंग पॉइंट को मॉनिटर करेगा, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जब तक एक गैस पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती उसका टेम्परेचर फर्दर चेंज नहीं होता। तो बेसिकली वाटर ही कलेक्ट हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? जब तक टेम्परेचर 100 पर सस्टेन करेगा तब तक इसका मतलब है कि वाटर ही कलेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली फॉर दैट वी लुक एट द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर। दैट्स ऑल एवरीथिंग अबाउट फ्रैक्शनल सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन उस वक्त किया जाता है, सेटअप कैसा है ये आपके सामने आ गया, कब किया जाएगा? जब प्योर लिक्विड आपको हासिल करना है सॉलिड में से, ठीक है, सॉलिड यानी सॉल्ट सॉल्यूशन या सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करनी है वो भी इसी का वेरिएंट है, और वो क्या है कि जब आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करनी है भाई, सबको समझ में आ गया सिंपल डिस्टिलेशन? बासिम, यस सर, इस मिरान महान महान जी सर, आ गया। ओ भाई बासिम की आवाज फाइनली आई गई। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सर वो तो सुन रहे हैं मोबाइल पे होना इसलिए आ रही है, लैपटॉप का माइक नहीं चल रहा बोले, मोबाइल पे मेरा माइक चलता है वो लैपटॉप नहीं चल रहा। मोबाइल से ले लिया कर भाई तू क्लास, हमारी आवाज सुनने के लिए हम तड़प जाते हैं यार बासिम। चलो ताहा तुम क्लास में हो? जी सर मैं क्लास में हूँ। यार तुम क्लास में तो मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो यार, शर्म की बात है ये। सर इतने बच्चे मैं क्या बोलूं, क्या ये तुम्हें खा जाएंगे बच्चे?
तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं सर, ये सारे पार्टिसिपेट करें तो मैं पार्टिसिपेट करके क्या? अरे क्या बात कर, नहीं मेरे भाई, तुमने आगे जाके यूनिवर्सिटी में जाना है, ऐसे तो खत्म हो जाएगी कहानी तुम्हारी, ऐसे नहीं करो, पार्टिसिपेट करो भाई, पता चले ताब आई थी कोई बला है माशाल्लाह से। तभी वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का टेस्ट जो तुम लोगों का हुआ था उसमें मार्क्स मिल गए तुम लोगों को ग्रुप पे? जी सर, मार्क्स की नहीं मिले अभी तक हमें सर। यार तुमने तो मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही अच्छी तैयारी करके दिया था या चीटिंग से दिया था, मैं देख रहा था मार्क्स सर। 9th grade से पढ़ा था तो ऑब्वियसली आता तो होगा। नहीं ऑब्वियसली तो ऑब्वियस वालों में तो गलतियां करते हो, मैं देख रहा हूँ पूरे पूरे नंबर लिए हुए, एक एक दो दो नंबर कटवाए में, इतना अच्छा टेस्ट तुम लोगों ने कैसे दे दिया भाई? अच्छा अच्छा भाई, अच्छा 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 अच्छा, खैर चलो भाई बैक टू द डिस्कशन। अब आ जाते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्लेशन पे, मेरे बच्चों, मेरे नोनिहालों, मेरे नन्ने नन्ने मुन्ने मुन्ने काकों, फ्रैक्शनल डिस्लेशन की बात करते हैं, ठीक है? फ्रैक्शनल डिस्लेशन कब हो रही है? जब बहुत सारे लिक्विड्स आपस में मिक्स हुए हैं भाई, सबको मिल गए हैं, किसको नहीं मिले? वर्ष के भी सारे टेस्ट चेक हुए हैं, क्या बात कर रहे हो? नहीं मिले हमें अभी तक, रिजल्ट नहीं मिला जी सर, नहीं मिला। तो वर्ष वालों से मांगो, हमारे पास से रिजल्ट अभी नहीं बल्कि 8-10 दिन पहले जा चुके हैं सारे। पता नहीं क्या सर, दे ही नहीं रहे वो लोग। मैं मुझे बता देना कौन सा नहीं, मैं अलग से शेयर कर दूंगा। सहार ने मांगा था, उसको अलग से भेजा था हमने। सहार तुम्हें रिजल्ट मिल गया था तुम्हारा? सर पीडीएफ मिला था, मार्क्स तो पता ही नहीं थे कितने, और इतनी समझ ही नहीं आया था गलत क्या है सही क्या है, चेकिंग नहीं दिख रही थी। पीडीएफ में मार्क्स लिखे हुए थे? नहीं सर। तुम लोगों को रिजल्ट नहीं मिला अभी तक क्या? नहीं सर, कुछ पेपर्स मिल गए, कुछ नहीं मिले। अबे मेरा तो मतलब, चलो मैं रिजल्ट अभी ग्रुप पे तुम लोगों का शेयर कर देता हूँ, मैंने तो कहा स्कूल वाला इसलिए शेयर नहीं करा, चलो अभी कर देते हैं। चलो फ्रैक्शनल डिस्लेशन बेटा, फ्रैक्शनल डिस्लेशन कब हो रही है बेटा? जब आपके पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग सिमिलर नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं ये मैं, सिमिलर नेचर से बोला दिया है कि या तो सारे ऑर्गेनिक हो या सारे इनऑर्गेनिक हो, ठीक है? नेचर दो तरह का होता है लिक्विड का, पोलर और नॉन पोलर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो जिसमें सारे सिमिलर नेचर के लिक्विड हो, हैविंग क्लोजली रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। जब हमारे पास ऐसा मिक्सचर मौजूद है जिसमें 2 या 4 या 6 या 8 या 10 किस्म के लिक्विड्स हैं और सबके बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोज रेंजेस में मौजूद हैं, किसी का 70 है, किसी का 80 है, किसी का 90 है, किसी का 110 है, और ये सारे मिक्स हुए हैं और डीकैंटिंग की तरह ये अलग अलग नहीं है, तैर नहीं रहे एक दूसरे के ऊपर, बल्कि ये ब्लेंड हुए हैं एक यूनिफॉर्म मिक्सचर की फॉर्म में, तो मेरे बच्चे अब अगर इनको सेपरेट करना है तो यहां हमारे पास आ जाता है मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। और इसकी दो बहुत ही कमाल की एग्जांपल जो हैं, सबसे बड़ी जो एग्जांपल कमर्शियल लेवल पर है वो आपकी क्रूड ऑयल की है, कि जो क्रूड ऑयल हम जमीन से निकालते हैं, इट्स अ डेंस मिक्सचर ऑफ मोर देन 13,000 डिफरेंट कंपाउंड्स, जिनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू बहुत बड़ी क्लासेस में सेपरेट कर देते हैं, 8-9 तरह के इसमें क्लासेस बनाते हैं और फिर इंडिविजुअली उनको सेपरेट करते हैं। तो क्रूड ऑयल जो कि मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जो है ना ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनको हम यहां पर सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। अब डायग्राम अगर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा तो बात समझाना बहुत ही आसान हो जाएगी। तो और ये आपने देखना है कि दोनों के सेटअप में फर्क क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ये चीज भी आ जाती है कि सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप बना हुआ होता है और फिर वो आपसे पूछ लेता है कि इसमें क्या मिसिंग है कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप बन जाए, ठीक है? या यूं आ जाता है कि इसमें क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, इस तरह का। तो डायग्राम का पता होना बड़ा जरूरी है, खासतौर पर चूंकि ये दोनों भाई बहन प्रोसेस है, यानी दोनों ही डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला डिफरेंस तो आपको ये पता चल गया है ऑलरेडी मेरे ख्याल है कि भाई ये दोनों लिक्विड्स के लिए, यानी अगर लिक्विड्स मिक्सअप हुए हैं तो उनको आपस में अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहां पर जो एग्जांपल हम समझा रहे हैं वो है वाटर और एथेनॉल की एग्जांपल। आप जानते हैं वाटर भी पोलर है, और याद है भी मैंने ऊपर लिखा था कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑर्गेनिक, लेकिन ये चार्ज होते हैं, ऊपर मैंने एक्सेप्शन में लिखी थी ना कहीं, ये
तो अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड आप ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि ये चार्ज लिक्विड्स होते हैं, तो इसलिए ये आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। आप जानते हैं जो लोग शराब पीते हैं, ताहा यहाँ पर बताएंगे, हो सकता है रमजान है तो नहीं पी रहे हूँ, लेकिन विस्की नहीं, सिर्फ तारी के बाद सब कुछ हलाल होता है। चलिए अफतारी के बाद सब चल रहा है, कौन सा ब्रांड पी रहे हैं आजकल? सर अगली बार बताऊंगा। अच्छा, तो अब आप यहाँ डायग्राम देखिए, बड़ा हाई यील्ड डायग्राम है बेटा। यहाँ आप ब्लू बॉल्स जो देख रहे हैं वो वाटर है, और जो आप ब्राउन बॉल्स या ऑफ व्हाइट क्रीमी बॉल्स देख रहे हैं वो एथेनॉल है। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है, और एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और दोनों यहाँ पर मिक्स हुए हैं, दोनों यहाँ पर कंप्लीटली ब्लेंड हुए हैं, मिक्स हुए हैं। आपने क्या किया, आपने वही राउंड बॉटम फ्लास्क ली। राउंड बॉटम फ्लास्क लेने के बाद आपने क्या किया बेटा, इसके ऊपर ये एक चीज इजाफी लगी हुई नजर आ रही है आपको, जो कि आपको पहले, यानी पहले आपको जो कंडेंसर जैकेट थी वो यहां से लगी हुई नजर आ रही थी, सुनो, पहले आपको कंडेंसर जैकेट मिशेल यहां से लगी हुई नजर आ रही थी राउंड बॉटम, अब आपको वो यहां से लगी हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि आपको राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर एक चीज नजर आ रही है लगी हुई, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बहुत ज्यादा आता है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्या है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एक यूनिक किस्म का एपरेटस है जिसमें मल्टीपल सेक्शंस बने हुए होते हैं। ये तो बड़ा सिंपल वर्जन है क्योंकि दो ही लिक्विड्स हैं, लेकिन जब क्रूड ऑयल की हम सेपरेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो कुछ इस तरह का बड़ा वर्जन है इसका, कि उसमें ये रेंज अलग टेम्परेचर पर सेट होती है, ये रेंज अलग टेम्परेचर पर सेट होती है, ये अलग टेम्परेचर पर सेट होती है। बहरहाल, तो ये जो ट्यूब इजाफी लगाई गई है, वी कॉल दिस ट्यूब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इस ट्यूब पर थर्मामीटर लगाया गया है। जाहिर है आप देख रहे हैं यहां से वेपर्स निकलेंगे, और कंडेंसर जैकेट पर इस ट्यूब से कनेक्ट की गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब होगा क्या कि जब मैं इस लिक्विड को गर्म करना शुरू करूंगा तो पहले 78 डिग्री का टेम्परेचर आएगा या 100 का टेम्परेचर आएगा? 78 का आएगा। तो क्या होगा जब मैं हीट करना शुरू करूंगा? अच्छा, यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आप देख रहे हैं हीटिंग करने के लिए आग नहीं लगाई हुई, बल्कि हीटिंग एलिमेंट रखा हुआ है, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग रॉड रखी हुई है। ऐसा इसलिए कि चूंकि इसमें एक से ज्यादा लिक्विड्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्लोज हैं। यहां तो चलो 100 और 78 में फिर भी डिफरेंस है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत क्लोज क्लोज पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 78 और 82 भी हो सकता है। तो यहां पर जो हीट है ना वो बहुत जेंटली करनी होगी। अगर आपने चूल्हा भी लगाया है तो चूल्हे की जो आंच होगी वो बहुत स्लो होनी चाहिए, ताकि टेम्परेचर स्लो स्लो करके बढ़े। ये प्रिकॉशन होती है इसकी, ये प्रिकॉशन है। ईमान, बात समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अगर तुम्हें पूछा जाएगा तो प्रिकॉशनरी मेजर क्या है कि यहाँ जो हीटिंग है अरीशा वो जेंटल होगी, स्लो होगी, चाहे फिर उसके लिए हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल हो या अगर आप चूल्हा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्नर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हीट बहुत स्लोली दी जाएगी, ताकि टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी चेंज ना हो, बल्कि टेम्परेचर स्लोली चेंज हो और आप लिक्विड जो हासिल करना चाह रहे हैं वही मिले। यहां तो खैर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले किसकी बारी आएगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? याद रखना, अगर 10 लिक्विड होते, अगर एक लिक्विड होता 10 वाला, एक लिक्विड होता 30 वाला, एक लिक्विड होता 10 वाला तो खैर नहीं होगा, रूम टेम्परेचर भी कम हो गया, ये एक लिक्विड होता 30 वाला, एक लिक्विड होता 70 वाला, एक लिक्विड होता 50 वाला, एक लिक्विड होता 90 वाला, तो सबसे पहले किसकी बॉइलिंग पॉइंट आता? 30 वाले का। यस और नो? जी सर। तो 30 वाले का बॉइलिंग पॉइंट जब आ जाता तो जनाबे अली थर्मामीटर आपको 30 डिग्री की रेंज दिखाता, ठीक है, और उस वक्त तेजी से आपको वेपर्स बनना शुरू नजर आ रहे होते, और वो वेपर्स जब कंडेंसर, जब बिल्कुल वैसी कंडेंसर जैकेट से गुजरते, चूंकि यहां पर एथेनॉल है, जैसे 78 डिग्री सेल्सियस तक, 78 डिग्री सेल्सियस तक आप वेट करेंगे, और वेट करने का मकसद क्या है कि जो भी ड्रॉप सब तक कलेक्ट हो रहे हैं आप उसे जाया करते रहेंगे, क्योंकि उसमें इंप्यूरिटीज होंगे, मिक्सचर्स होंगे। लेकिन जब टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि पहला बॉइलिंग पॉइंट है, वहां पर रुक जाएगा, अब यू आर वेरी श्योर कि इस टेम्परेचर पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है, तो एथेनॉल ही हमें हासिल हो रहा है, तो आप उस वक्त जो है वो वेपर्स को कलेक्ट करेंगे, यानी आप वेपर्स को कंडेंसर जैकेट से गुजारेंगे, उनको ठंडा करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, और लिक्विड ड्रॉप्स की फॉर्म में वो आपको मिल जाएंगे। आप उस वक्त तक ये काम करते रहेंगे जब तक टेम्परेचर 78 पर सस्टेन करता है। जैसे ही टेम्परेचर 78 से ऊपर बढ़ने लगेगा, इसका मतलब है एथेनॉल अब खत्म हो गया है। एथेनॉल अब क्या हो गया? खत्म हो गया है। जैसे ही टेम्परेचर 78 से राइज करेगा, आप समझ जाएंगे कि एथेनॉल अब खत्म हो गया है। आप एथेनॉल हटा लेंगे कंटेनर से और अब दूसरे लिक्विड की बारी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सर, इंप्योरिटी से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता नहीं? इंप्योरिटी से
बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बढ़ता नहीं है क्या? स्टैंडर्डाइज करके चल रहे हैं, वैसे तो प्रैक्टिकली पानी को भी तुम बॉइल करोगे तो 100 तक नहीं पहुंचेगा, तो उतनी अजम्पशन हम कर रहे हैं कि सब बाकी चीजें स्टैंडर्ड है, वरना तो प्रैक्टिकलिटी में तो 78 तक एथेनॉल भी नहीं पहुंचेगा, उससे पहले बॉइल हो जाएगा, तो वो तो फिर हम कंसिडर नहीं कर सकते, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द लिक्विड जो आपने लिया है। तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ चल रहे हैं, तो जैसे ही 78 का पॉइंट आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, आप उस वक्त एथेनॉल कलेक्ट करेंगे, और जैसे ही टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा आप वहां से एथेनॉल का कंटेनर हटा देंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों का फर्क समझ में आ गया, सिंपल फ्रैक्शनल का, सिंपल जो है वो सॉलिड लिक्विड के मिक्सर में से लिक्विड को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये मल्टीपल लिक्विड में से लिक्विड को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहां पर एक इजाफी ट्यूब का इस्तेमाल होता है जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहलाती है, और कंडेंसर जैकेट उसके साथ लगाया जाता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? डायग्राम में आपने हीटर क्या लेबल किया था? हीटिंग एलिमेंट या यहाँ पर बंसन बर्नर भी हो सकता है। मकसद क्या है कि हीट जो है ना वो जेंटली दी जाएगी, स्लो दी जाएगी। पहले इलेक्ट्रिक हीटर लेके आओ, फर्स्ट सेट टेम्परेचर में भी हो तो चलेगा, इलेक्ट्रिक हीटर कर दो। हाँ भाई, कोई भी आप हीटर लेते हैं जो जेंटली थोड़ी थोड़ी हीट करके देता है, चूल्हा तो बहुत तेजी से हीट देगा ना जब आग तेज होगी। हाँ, अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन कर रहे थे तो वहां चूल्हे का रोल इसलिए नहीं था क्योंकि एक लिक्विड था एक सॉलिड था, तो इवेपोरेट लिक्विड नहीं होना था, तो वहां हीटिंग पे डिपेंडेंस नहीं थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सारे लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट क्लोज भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो है वो ये एहतियात की जा रही है। किसी ने चैट में एक सवाल पूछा और बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा है, जिसका जवाब मैं सबके सामने दूं। कि उसने पूछा कि अगर ऐसा हो कि दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, अगर दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट सेम हो तो फिर क्या करेंगे, और ऐसा हो सकता है? तो बेटा इसीलिए याद करो, अभी उसने बोला था मुझे शुरू में मुनीब ने कि आप इमिसिबल और मिसिबल का वर्ड इस्तेमाल कर लें, तो याद रखना डिस्टिलेशन उसी वक्त इस्तेमाल होती है, जरा वापस जाइएगा, डिस्टिलेशन उसी वक्त इस्तेमाल होती है जब लिक्विड्स के जो मिक्सचर है उनके बॉइलिंग पॉइंट क्लोजली रिलेटेड हो, क्लोज हो, सेम ना हो। अगर आपको पता है कि इस मिक्सचर के अंदर दो लिक्विड्स ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो फिर आप डिस्टिलेशन से उनको अलग नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो भी बताता हूं, ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग से समझ रहा है क्लास में बच्चा है, जो भी कौन था जिसने पूछा था ये, तो जिसने भी पूछा शाबाश, क्योंकि अगर आपके अहमद ने पूछा, अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे तो फिर जाहिर है कि ये मेथड अगर आप समझ के चल रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा अरीशा कि ये मेथड काम नहीं करेगा। एम आई क्लियर? क्योंकि यहां पर जो लिक्विड की सेपरेशन हो रही है अहमद अमान, वो किस प्रिंसिपल पर हो रही है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो सेपरेट हो रहा है। तो अगर दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो आप उन्हें अलग अलग हासिल नहीं कर सकते बाय दिस मेथड। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। तो इसलिए शुरू में लिखा कि भाई ये उस वक्त अप्लाई होगा जब आपके पास ऐसा मिक्सचर हो जिसमें लिक्विड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो, मिक्स हुए हो, भले से क्लोजली रिलेटेड हो लेकिन डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ बेटा वो मेथड जो पेपर 1, 2 और 4 तीनों में आता है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। है ये भी आसान लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने की। अच्छा एक बात और बताता चलूं, एक बात और बता दूं, जल अभी याद आ गई, अच्छा हुआ। अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि एक लिक्विड को हासिल करना है आपको प्यूरिफाई करके, तो आप जाहिर है जवाब या तो डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल या सिंपल में से कोई एक लिखेंगे। लेकिन सवाल अगर यह आ जाए कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो बेटा वो भी डिस्टिलेशन से फाइंड आउट किया जाता है। कैसे फाइंड किया जाता है? डिस्टिलेशन से। क्या मतलब? आप एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहते हैं, आपने अब यहां मिक्सर नहीं है, प्योरली वो लिक्विड आपके पास है, आप क्या करें उसे आपने इस सेटअप पे लगा लिया, पूरा सेटअप जैसे लगाते हैं सिंपल डिस्टिलेशन का वैसे लगा लिया, थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और वेपर्स तेजी से बनकर लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगे, तो दैट टेम्परेचर इन द थर्मामीटर विल गिव यू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जाए कि टू एक्सपेरिमेंटल सेटअप आ जाए कि एक फला एक्स लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालिए, तो बेटा जो सिंपल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट है डिट्टो वही लिखा जाएगा, और सिर्फ इतना चेंज आ जाएगा कि जिस टेम्परेचर पर जो है ना वो थर्मामीटर की रीडिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगी और वेपर्स तेजी से कंडेंस हो रहे होंगे, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। इज दैट क्लियर? यानी मैं लिख भी देता हूं कि दिस सेटअप
could also be sir, इसमें ये भी तो है fractional distillation. हाँ liquid petroleum भी तो आता है इसमें. जी जी बिल्कुल आता है, तो प्रिंसिपल तो वही है ना यार, इसी तरीके से होगा. नहीं लिक्विड पेट्रोलियम में तो आप अलग अलग कर रहे हो ना सेपरेशन. लिक्विड पेट्रोलियम तो वैसे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में चला जाएगा ना. मैं तो अभी जहन में आया कि एक सवाल यू भी आ सकता है कि अगर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो एक्सपेरिमेंटली कैसे सेटअप लगाएंगे. तो एक्सपेरिमेंटली सेटअप जब लगा बॉइलिंग पॉइंट के लगाना होता है तो सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप था ना, बिल्कुल वही सेटअप लगता है. वर्किंग फर्क ये होता है कि मिक्सर नहीं लेते, आपके पास वो लिक्विड एक्स है, आपने वो लिया, उसे हीट किया, इनिशियली वेपर्स बने, टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो गया बॉइलिंग ट्यूब के थर्मामीटर के अंदर. आप वेट करते रहे, जब टेम्परेचर बढ़ते कॉन्स्टेंट हो गया और वेपर्स बहुत तेजी के साथ फॉर्म होने लगे और कंडेंसर जैकेट में वो तेजी के साथ लिक्विफाई होने लगा, तो ये जो टेम्परेचर होगा दैट वुड बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड एक्स. ये बता रहा हूं मैं, ठीक है. ये आ चुका हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है. मनहा, एम आई क्लियर टू यू बेटा? मनहा वकास सर, एक सवाल जो मैंने सुना था उसमें कह रहा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अलग कैसे करना, वो किस तरह किया जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भाई दोनों सॉल्यूशंस है ना, दोनों सॉलिड थे या सॉल्यूशंस थे? उसने सिर्फ ये दो चीजें लिखी. सवाल मैं आपको भेजूं? सवाल हाँ सवाल भेज दे, मैं वैसे भी इसका आंसर देता हूँ. अगर तो सॉलिड है तो पहले उनको डिसॉल्व किया जाएगा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है, तो एक डिसॉल्व हो जाएगा, एक सेटल हो जाएगा. जो सेटल हो जाएगा उसे फिल्टर करके अलग करोगे और दूसरे को क्रिस्टलाइजेशन से अलग करोगे, ठीक है. लेकिन सर किस चीज में इसको डिसॉल्व करेंगे? पानी में डिसॉल्व करोगे. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है पानी में नियरली इनसॉल्युबल होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप वन का सॉल्ट है, रेडिली सॉल्युबल होता है. तो रेडिली सॉल्युबल, तो आप जब दोनों को पानी में डिसॉल्व करोगे तो जो बॉटम पे सेटल होगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, जो डिसॉल्व हो जाएगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप फिल्टर करके अलग कर लोगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप इवेपोरेशन टिल ड्राइनेस या क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से अलग कर लोगे. अरे याद करना पड़ेगा कौन सा डिसॉल्व होता है कौन सा नहीं होता. बेटा अगर आपको सॉलिबिलिटी याद हो तो मैंने वहां पढ़ाया था कि ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, आप अगर याद ही नहीं है ना, पेपर आने वाला है 6 दिन में, ऑल बेसिस याद कीजिए ये पॉइंट, ऑल बेसिस आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, सॉरी ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप वन की जो बेसिस थी और पोटेशियम अमोनियम की जो बेसिस थी. और बेसिस कौन सी होती है? OH वाली, O वाली. तो ग्रुप वन की जो बेसिस होती है वो सॉल्युबल होती है, बाकी सारी बेसिस इनसॉल्युबल होती है. ये सॉलिबिलिटी में पढ़ाया गया आपको. कोई बच्चा इस बात को याद कर पा रहा है? सहर खालिक जी सर याद है, ठीक है. तो ये कैसे पता चलेगा? ये वहां से पता चलेगा मेरे बच्चे, ठीक है. अब आ जाओ ये कैल्शियम एक और रिको हाउ डू सेपरेट टू गैसेस. एक बोलो भाई, एक बोलो ये क्या चार पांच एक साथ जी बोले सर, हाउ डू यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस? बेटा जब गैशियस मिक्सचर हुआ हुआ होगा, अगर आपको एयर एटमॉस्फेयर याद है तो वहां पर भी आपने पढ़ा है कि जब गैशियस मिक्सचर होता है उसको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, भाई उसमें फायदा क्या होता है गैशियस मिक्सचर में आपको, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लिक्विड था तो आपने गर्म किया, आपने गर्म करके ठंडा किया, ऐसा ही है. तो अब अगर आपके पास गैशियस मिक्सचर होता तो आप समझो कि आपकी वर्किंग आधी हो गई, आपको गर्म नहीं करना पड़ा, आप डायरेक्टली उसे कंडेंसर से गुजारेंगे और ठंडा करेंगे. जब गैस ठंडी होती है तो लिक्विफाई हो जाती है. और भी अल्टरनेट मेथड लिख सकते हैं? लिक्विफिकेशन ही मेथड, डिस्टिलेशन ही मेथड है भाई, और क्या? और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से हो सकता है? किससे? डिफ्यूजन. देखो प्योरली तो गैस अलग नहीं होगी डिफ्यूजन से, अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्टेन करना है लैब में तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द मेथड, जहां पर आप गैसियस मिक्सचर को उसमें सवाल लिखा है नाइट्रोजन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो मार्किंग स्कीम में मैंने चेक किया था उसमें डिफ्यूजन लिखा हुआ था और आंसर एक्सप्लेनेशन दी हुई थी बिकॉज नाइट्रोजन है. थोड़ा आराम आराम से बोलो, क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो. उसने कहा है, सवाल पूछे कि डिस्क्राइब हाउ डू सेपरेट द फॉलोइंग नाइट्रोजन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सही है. उसने प्रोसीजर पूछा और मैंने डिफ्यूजन लिखा है, और उसके बाद उसने एक्सप्लेनेशन पूछी और मैंने लिखा बिकॉज नाइट्रोजन हैज लोअर एमआर देन ऑक्सीजन. लाइक मार्किंग स्कीम बताओ तुम, उसको छोड़ो तुमने क्या लिखा है. हां मार्किंग स्कीम में भी वही लिखा है. क्या? दैट नाइट्रोजन हैज लोअर एमआर. सवाल बताओ, सवाल भेजो मुझे, पूरा सवाल भेजना, विदाउट रेफरेंस नहीं खा जाना.
नहीं मैं पूरा भेजता हूँ। ये तो अजीब सी बात हुई ना कि हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड मौजूद है और मुझे अलग करना है तो मैं कैसे करूंगा डिफ्यूज करके? अब क्या चबलो वाली बात है? अब गाड़ी के अंदर, गाड़ी के टायर में हवा भरी हुई है, अब मैं उसमें सुराख कर दूं तो उसमें नाइट्रोजन अलग कर लूंगा और ऑक्सीजन अलग कर लूंगा, क्या चबलो वाली बात है? या तो लिक्विड होनी चाहिए, कुछ ऐसा सीन होना चाहिए। बहरहाल अब आ जाओ क्रोमेटोग्राफी पर, लास्ट टेक्निक है बेटा क्रोमेटोग्राफी, और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें जो हमें समझनी है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज पर अटेंशन आपकी चाहिए मुझे बेटा। अच्छा चूंकि 2 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है तो इस टॉपिक को जरा एक्सप्लेन करने के लिए मीटिंग दोबारा रिज्यूम कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं क्रोमेटोग्राफी।